अभी जो एक्ट आया है, इस एक्ट पर आपने देखा होगा कि कोई भी पॉलिटिशियन बोलने के लिए राजी नहीं हुआ जिसकी सरकार चल रही है, और जिनको दुख या इस एक्ट से जो परेशानी हुई है, या आप यहाँ आकर अपनी बात को शेयर करेंगे, क्योंकि ये एक्ट जो 89 में बना, हमारे एनर्जी इंजीनियर एनर्जी ने बता दिया है कि 89 में बना था जनता दल के टाइम में। ये कहते हैं जो जज ने, इस जज की और तारीख बता दूं, जिस जज ने ये जो जजमेंट सुनाया है एक्ट का, ये जज 2009 में भाजपा का अधिवक्ता कमेटी का प्रवक्ता था। अब बताइए, जो आदमी भाजपा से गया है, भाजपा ने उसको जज बनाया है, तो वो तो उन्हीं की बात करेगा। तो मेरा निवेदन है कि इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए। वह कमेटी चुनिंदा ऑफिसर के जो लोग हैं उसके मेंबर बने, और इसको हम जल्दी से जल्दी मेमोरेंडम पीएम को, राष्ट्रपति को, या थावरचंद गहलोत जो हमारे सोशल मंत्री हैं उनको हम दें, जिससे कि इस पर रोक लगे। वरना तो भाजपा जो बात कर रही है, इधर हमारे पीएम मोदी जी जो बात कर रहे हैं कि भाई दलितों को मत मारो, मुझे मारो, तो वो इसीलिए कह रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि इन्हीं को मारो। जब आपके पास कोई एक्ट नहीं होगा, पहले एक डर था इन लोगों को कि भाई SC ST एक्ट लग जाएगा, हमारी सजा हो जाएगी, लेकिन अब उनका डर निकल चुका है, क्योंकि अब कोई रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाएगी तो आपको न्याय कहां से मिलेगा। या गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप किसी सुपीरियर के खिलाफ आप कंप्लेन करेंगे, तो पर हायर अथॉरिटी से परमिशन लेंगे, तो क्या आपको हायर अथॉरिटी परमिशन देगी? नहीं दे सकती। तो इसीलिए हमें सबको इस मसौदे पर तैयार होकर और ये मेमोरेंडम इस बीच दे देना चाहिए, जिससे कि उनके कान खुल जाए। वरना तो कॉलेजियम जो बनाया है, उन्होंने उसी लिए बनाया है कि उसमें उन्हीं के जज होंगे, और वो जितने जजमेंट देंगे वो SC ST के खिलाफ देंगे। बस मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि हमारे और भी काफ़ी साथी हैं जो इसमें।